टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में एक रोमांचक जीत दर्ज की। यह मैच बारिश की वजह से 8-8 ओवर का ही खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया को भले ही जीत मिली, लेकिन टीम के दो स्टार खिलाड़ी एक बार फिर से फ्लॉप रहे। ये दोनों ही खिलाड़ी लगातार टीम में मिल रहे मौकों को बर्बाद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह दोनों ही खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भी टीम इंडिया का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया के जादुई गेंदबाज युजवेंद्र चहल और टी20 स्पेशलिस्ट माने जाने वाले हर्षल पटेल बिल्कुल ही फ्लॉप रहे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ जमकर रन बनाए। चहल इस सीरीज के पहले मैच में भी काफी ज्यादा महंगे साबित हुए थे। चहल इस सीरीज के पहले मैच में भी काफी महंगे साबित हुए थे और एशिया कप 2022 उनके लिए काफी खराब रहा था। युजवेंद्र चहल ने इस मैच में एक ओवर के दौरान 12 की इकोनॉमी से 12 रन खर्च किए। इस महंगे ओवर के बाद कप्तान रोहित शर्मा उन्हें दूसरा ओवर नहीं दे पाए। वहीं अगर बात करें हर्षल पटेल की, तो कप्तान ने उन पर दो ओवर का भरोसा जरूर दिखाया, लेकिन उन्होंने भी 32 रन लुटा दिए। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस मैच में युजवेंद्र चहल के अलावा बाकी स्पिनर्स का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने दो ओवर के दौरान 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जैम्पा ने 2 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 16 रन खर्च करने के बाद 3 बड़े विकेट अपने नाम किए। टीम के लिए लंबे अरसे बाद वापसी कर रहे बुमराह का खेल भी कमाल का रहा, लेकिन युजवेंद्र चहल और हर्षल पटेल अपनी छाप नहीं छोड़ सके। चहल ने सीरीज के पहले मैच में 3.2 ओवर की गेंदबाजी में 42 रन लुटाए थे और सिर्फ 1 विकेट ही अपने नाम कर पाए थे। वहीं युजवेंद्र चहल ने एशिया कप 2022 में खेले 4 मुकाबलों के दौरान कुल 7.93 की इकोनॉमी से अपने नाम 4 ही विकेट दर्ज किए। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए दोनों ही मैच में चहल काफी महंगे साबित हुए थे। तो अब देखना यही होगा कि इन दो बड़े स्टार खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया किस तरह से अपना मैनेजमेंट कर पाती है और क्या आने वाली सीरीज में ये और भी ज्यादा बेहतर कर पाते हैं या नहीं।